हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है फिर से हमारे चैनल सिविल इंजीनियर्स पॉइंट पे। चलिए बेटा, हमने हाइड्रोलॉजी में लास्ट टाइम पे क्या पढ़ा था, हमने तीन मेथड्स पढ़ी थी एवरेज प्रिसिपिटेशन को निकालने के लिए, कौन कौन सी, अर्थमेटिक मेथड, उसके बाद हमने पढ़ी फिजियन पॉलीगन मेथड, उसके बाद हमने पढ़ी आइसोहेड्रल मेथड। क्लियर है, उसमें कोई डाउट तो नहीं आप लोग को। चलिए बेटा, तो कल हमने उनके सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे, उनके जो छोटे पॉइंट्स थे बेसिक उनको हमने नोट कर लिया था, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्लियर है, अब हम उन पर बेस न्यूमेरिकल्स कर लेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए तो मैं ये क्वेश्चन लिख रखा है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था गेट 2015, और भी कितने मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए। क्लियर है, चलो तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अटैचमेंट इज idealized as 25 into 25 kilometer square, it has 5 main gauges, one at center and one at each corner. During a month, precipitation at these gauges is measured as g1 equals to 300 mm, g2 equals to 285 mm, g3 equals to 270, g4 equals to 290 and g5 equals to 288. Get it? The average precipitation over the catchment during this month by Fission polygon method is. Get it? चलो तुम्हारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारे पास एक कैचमेंट है, उसका एरिया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 25 into 25 किलोमीटर स्क्वायर, मींस क्या हुआ है स्क्वायर, ठीक है, उसके दोनों साइड्स बराबर है। चलो अब क्या बोल रहा है कि उसके चारों स्टेशन चारों कॉर्नर्स में एक एक रेन गेज फिट किया गया है और एक सेंटर की। क्लियर, टोटल कितने रेन गेज अपने पास, 5, ठीक है। तो उनकी जो रीडिंग्स थी हमको दी हुई है, ठीक है, हमें बोल रहा है उस एरिया पे क्या बनाना है, क्या एवरेज प्रिसिपिटेशन को निकालना है। क्लियर है, चलिए सॉल्व करें क्वेश्चन। चलिए चलो बना लो, स्क्वायर बना लो, मेरा स्क्वायर दे रहे, ये कितना 25 किलोमीटर, ये कितना 25 किलोमीटर, ये भी कितना स्क्वायर, चारों साइड इक्वल, ये भी कितना 25 किलोमीटर। दे रहे बेटा, चलो गार्ड शूट करो इसमें, फर्स्ट गेज, सेकेंड गेज, थर्ड गेज एंड फोर एंड एट सेंटर। नाम दे दो सबको, G1, G2, G3, G4, क्लियर है, और ये क्या हो गया अपना G5। तो हमने कल देखा था ना कि कैसे बार सेक्टर बनाना है, स्क्वायर के लिए, रेक्टेंगल के लिए, चलो बना लेते हैं, बना लो, बनाओ तो अपना अपना कॉपी में बनाओ अपना बाई सेक्टर। ये इसको मिला दिया, सीधी लाइन बनाना आप लोग, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे और इसको इससे, लाइन में तिरछी आप सीधी बनाइएगा। दे रहे, चलो तो बन गया एरिया, G1 के लिए ये एरिया, G2 के लिए ये एरिया, G3 के लिए ये एरिया, G4 के लिए ये वाला एरिया और G5 के लिए ये सेंटर का एरिया। क्लियर, अब हमारे पास एक ही प्रॉब्लम है, क्या, एरिया कैलकुलेशन, ठीक है। चलो तो हम एरिया कैलकुलेशन कर लेते हैं, चलो तो डिवाइड कर लेते हैं, तो जो G1 के एरिया को क्या बोल देते हैं, A1, G2 को एरिया क्या बोलते हैं हम, A2, इसका A3, इसका A4 और इसको A5। क्लियर है, चलो तो एरिया कैलकुलेशन करें, A1 फर्स्टली, A1 बेटा, A1 एरिया कैसा दिख रहा है आपको, ट्रायंगल शेप, कैसा दिख रहा है, ट्रायंगल शेप। क्लियर है, ट्रायंगल एरिया क्या होता है, 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट, यही होता है। क्लियर, ठीक है बेटा, 1/2 इनटू बेस कितना है इसका, क्या ये ले लो क्या ये ले लो, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप उसको ले लो, क्या बेस कितना होगा 25 और बाय सेक्टर मतलब हाफ, कितना होगा 12.5। क्लियर है, 12.5 इनटू हाइट, अगर ये वाली हाइट ले रहे हैं, ये डिस्टेंस हाइट ले रहे हैं, ये भी कितनी है 25 की हाफ, तो ये भी कितनी होगी 12.5। क्लियर है, चलिए बताइए कितनी आई वैल्यू, मैं भी निकालता हूं, आप भी बताइए। क्लियर है, 78.125 मीटर स्क्वायर। क्लियर बेटा, किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो अब देखो, ये जो है ये भी कितना है, सेम है, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, चारों सेम है ना, क्योंकि कैसा ये स्क्वायर है, बाइसेक्ट किया हुआ है,
ये भी ट्रायंगल सेम होगा, ये भी ट्रायंगल सेम होगा, ये भी और ये भी। क्या बार बार लिखने की जरूरत है क्या? तो लिख लो ए वन इक्वल्स टू ए टू इक्वल्स टू ए थ्री इक्वल्स टू ए फोर इक्वल्स टू 78.125 किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर क्लियर इसको बैठा हो। चलिए अब हम ए फाइव की बात करते हैं। ए फाइव चलो अब देखो इसको तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि इसकी इसकी वैल्यू निकालने पहले है ना, इसको क्या लें, इसको परपेंडिकुलर लें, इसको बेस लें और फिर पाइथागोरस इसकी वैल्यू निकालें, फिर इनवर्स स्क्वायर करें, इसमें क्या लर्निंग प्रोसेस बन जाएगी। क्लियर बेटा? हम क्या जल्दी मतलब जल्दी सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट टोटल एरिया में से इनको इसको माइनस कर देंगे चार चार एरिया को, उसकी वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर? ये आसान रहेगा आपके लिए। चलो हमें क्या टाइम बचाना है, ठीक है ना। चलिए ए फाइव कितना होगा बेटा, टोटल एरिया माइनस फोर ए वन ए टू ए थ्री जो भी बोल रहा आप। क्लियर? चलो क्या टोटल एरिया कितना बेटा अपना 25 × 25 माइनस 4 × 78.125। और क्या पता है ना क्योंकि चार है ना, 1 2 3 4। क्लियर? 4 × 78.125 चलो बताओ कितना है बेटा। थ्री 12.5 किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर? खत्म। बस बस अब कोई सॉल्यूशन नहीं इसमें, ठीक है ना। एरिया ही निकालना सबसे दिक्कत रहती है सेम पॉलीगन में। अगर आपका एरिया निकल गया तो बस तो वैल्यू पुट करनी है, और गेस की वैल्यू दी हुई है। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिए। चलिए बताइए बेटा क्या था अपना, क्या था अपना थीसियन पॉलीगन मेथड थी ना। चलिए बाय थीसियन पॉलीगन मेथड, थीसियन पॉलीगन मेथड, ठीक है। क्या होता है उससे फॉर्मूला, पी एवरेज इक्वल्स टू पी वन ए वन प्लस पी टू ए टू प्लस पी थ्री ए थ्री प्लस कितने अपने पास, पांच है ना, पांच है कि नहीं है, सॉरी पी फोर ए फोर प्लस पी फाइव ए फाइव डिवाइड बाई ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर प्लस ए फाइव। बस सारी वैल्यूज पुट कर दो। अच्छा अपने पास पी वन कितना था, गॉज पी वन कितना था बेटा 300 mm। क्लियर है? लिख दो यहाँ पे, लिख लो G1 इक्वल टू कितना है 300 mm, G2 कितना अपना 285 mm, G3 कितना अपना 272 mm, क्लियर है? और G45 कितना है 290 mm एंड G5 कितना बेटा 288 mm, 288 mm, क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो सारी वैल्यू पुट कर दो। P1 या G1 कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ज्यादा चेंज कर लो, G1 कर लो भाई, P की जगह में G कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है उससे। लो G कर लो, इसको भी G कर लो, इसको समझ में नहीं आ रहा G कर लो, ठीक है। चलो वैल्यू को 300 × 78.125 प्लस दूसरा कितना बेटा चलो बताओ कितना है आंसर, बताओ। मैं भी करता हूँ, आप भी करिए। 300 × 78.125 प्लस 25 × 78.125 प्लस 272 ×
78.125 प्लस 219 इंटू 78.125 प्लस 288 इंटू 312.5 मेरे बेटा। चलिए बेटा कितना आया आंसर? कितना आंसर? 287.375 mm। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए आप फिलिंग द ब्लैंक्स भर सकते हैं आप, ठीक है। नेट क्वेश्चन है ना, फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है आपके। कितना आएगा? 287.375। कोई दिक्कत है क्या? हार्ड लग रहा है क्या? दो मार्क्स का क्वेश्चन है ये गेट का, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? नोट कर लो। चलिए बेटा आगे चले, आगे चले। चलिए नोट करिए इसको आप लोग। चलिए बेटा अब हम आइसो ऑर्डर का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्लियर है? क्लियर है? चलो नोट करो क्वेश्चन। आइसो हाइड्स इन सेंटीमीटर एंड एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर है? ये दिया हुआ ऐसा और ये दिया हुआ ऐसा। क्लियर है? ओके। अरे लाइन मत खींचो, टेढ़ी हो जा रही है, ऐसे ही समझ जाओ। चल बेटा तो मान लो आइसोट्स कितने दिए हुए हैं? 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, ठीक है, 55 to 65। क्लियर है? चल अब एरिया 100, 200, 250 and 150, ठीक है। डाटा मिल गया आपको? डाटा मिल गया। चलो सॉल्व करें, सॉल्व बाय आइसोहेड्रल मेथड या फिर कैलकुलेट कैलकुलेट एवरेज प्रेसिपिटेशन, ठीक है। यहाँ पे आइसोहेड्रल्स दिए हुए हैं, हम पहले ही समझ जाएंगे क्या आइसोहेड्रल मेथड हमें यूज करनी है, ठीक है बेटा। क्या होता है आइसोहेड्रल मेथड में? फॉर्मूला होता क्या है? पी वन प्लस पी टू बाई टू इंटू, ठीक है, ए वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री बाई थ्री डिवाइड बाई टू प्लस पी थ्री प्लस पी फोर डिवाइड बाई टू इंटू ए थ्री प्लस पी फोर प्लस पी फाइव डिवाइड बाई टू इंटू ए फोर डिवाइड बाई ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए बाई फोर। क्लियर बेटा? चलो चलो देखो क्या है यहाँ पे। P1 25 प्लस P2 क्या हो गया? 35 डिवाइड बाई 2 इंटू एरिया कितना उसके साथ? 100 किलोमीटर एरिया में हो रहा है वो किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है। फिर दूसरी वैल्यू कितनी आई? 35 प्लस 45 बाई 2 इंटू 200 प्लस 45 प्लस 55 डिवाइड बाई 2 इंटू
टू 50, क्लियर है, प्लस चौथा कितना है 55 प्लस 65 डिवाइड बाय 2 इंटू 150, क्लियर है। नीचे टोटल एरिया, टोटल एरिया कितना है 100, 200, 300, क्लियर है, 500, 550, 700, ठीक है, हो गया, कितना हो गया 700, ठीक है। चलो कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो, मैं भी करता हूँ, कितना आ जाएगा, कितना है बेटा, ये आ गया 32500 डिवाइड बाय 700, ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितना आया 46.42 सेंटीमीटर, एमएम नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सेंटीमीटर, तो किसमें आ गया अपनी वैल्यू, पी एवरेज, पी एवरेज किसमें आएगी अपनी सेंटीमीटर्स में, किसमें आएगी सेंटीमीटर, ये हम नहीं समझ पाए तो सेंटीमीटर कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत इसमें, नोट कर लो, चलो कोई दिक्कत इसमें बेटा, आगे बात समझ में, बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं नॉर्मल, तो हमने उसका तो एग्जांपल में देख लिया था अरिथमेटिक मीन मेथड के लिए, थिसियन पॉलीगन का गुड का क्वेश्चन देख लिया अपना, और इसका भी देख लिया हमने आइसो हाइटल का, तो कोई किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ गई सारी चीजें, तो सारी चीजें क्लियर है अब, चलिए बेटा, तो आज हमने ये क्वेश्चन भी कर लिए, तो हमारा जो है मेजरमेंट ऑफ एवरेज प्रेसिपिटेशन चैप्टर यहाँ पे खत्म, क्लियर है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर पे नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, चलिए बाय बाय।